हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नए हफ्ते शुरू हो चुका है और इस नए हफ्ते में जो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट रिलीज़ होने वाले हैं, सो वेब सीरीज़, फिल्म्स, रियलिटी शो डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाले हैं। सो किस OTT प्लेटफॉर्म में कौन सा कंटेंट किस वक्त रिलीज़ होने वाला है, ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पता चल सके कि आप जिस कॉन्टेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो वो किस वक्त रिलीज़ हो रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग जाए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट कंटेंट्स एंड रिव्यूज़ के लिए एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए भी। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। सो 24 फरवरी को एक कंटेंट रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम है यात्री कृपया ध्यान दे, जो कि है शॉर्ट फिल्म और ये अमेज़ॉन मिनी टीवी में आपको देखने को मिल जाएगा फ्री में। सो इस शॉर्ट फिल्म में जो है श्वेता बासु प्रसाद एंड शाहिर शेख जो है मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इसका स्ट्रीम टाइम है 12 AM। सो अब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है एंड शाहिर शेख का एक डिफरेंट रोल देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। भले ही ये शॉर्ट फिल्म ही हो लेकिन कुछ तो डिफरेंट उन्होंने ट्राई किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टेंट्स की तरफ जो कि 25 फरवरी में रिलीज़ हो रही है। सो 25 फरवरी का पहला कंटेंट है द फेम गेम, जो कि वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की और इसमें जो है माधुरी दीक्षित मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं अनामिका का एंड यहाँ पे जो है इस वेब सीरीज़ से वो डेब्यू भी करने वाली है OTT प्लेटफॉर्म में एंड इसका ट्रेलर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, मुझे इंट्रिगिंग भी लगा एंड ये इसका रिलीज़ टाइम है यहाँ पे 12:30 PM से लेके 1:30 PM यानी कि दोपहर के 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे के अराउंड। तो आप इसी टाइम स्पैन के बीच जो है नेटफ्लिक्स पे इस शो को देख सकते हैं, मतलब रिलीज़ हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जिसका नाम है लव हॉस्टल। सो ये एक हिंदी फिल्म होने वाली है जो कि Zee5 पे रिलीज़ होगी। सो इसमें सानिया मल्होत्रा एंड विक्रांत मैसी जो है मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये जो है ऑनर किलिंग पे बेस्ड है। ट्रेलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा रॉ एंड इंटेंस लगा है मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। सो इसमें जो है बॉबी देओल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसका स्ट्रीम टाइम है 12 AM यानी कि जैसे ही 25 तारीख हो जाएगी 12 बजे रात को आपको देखने को मिल जाएगी ये Zee5 के प्लेटफॉर्म पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जो कि है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ विचेस Season 3। सो ये सोनी लिफ्ट पे रिलीज़ होगी, ये एक इंग्लिश वेब सीरीज़ होने वाली है। इसका स्ट्रीम टाइम जो है 10 PM होने वाला है यानी कि एक दिन पहले 24 तारीख के रात को आपको 10 बजे से जो है ये मतलब वेब सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी और ये फाइनल सीज़न होने वाला है इस सीरीज़ का। तो अब बढ़ते हैं 27 फरवरी के कंटेंट की तरफ जो कि है लॉकअप। तो लॉकअप एक रियलिटी शो होने वाला है जिसे कंगना रनौत जी मतलब होस्ट करने वाली है और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका ट्रेलर देख के मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मैं इसे ज़रूर देखूंगी सिर्फ रोस्ट करने के लिए। एंड इसमें जो है भाई मतलब इसके कंटेस्टेंट भी एंड इसका थीम देख के ना पता चल रहा है कि ये सस्ता बिग बॉस होने वाला है, नहीं तो गरीबों के बिग बॉस होने वाला, आप ऐसे ही मान के चलो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो आपको पता ही है कि मुझे बिग बॉस देखना पसंद नहीं है, तो ये शो काहे का पसंद आएगा। सब पॉइंट पे आते हैं। अब ये शो आपको जो है MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगा एंड एल्ट बालाजी पे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो दोनों प्लेटफॉर्म में आप इसे देख सकते हैं। सो इसका स्ट्रीम टाइम जो है 12 AM से है, मतलब कि 27 फरवरी जैसे ही तारीख लगेगी आपको रात के 12 बजे से है देखने को मिल जाएगी मिडनाइट से एंड 72 डेज तक ये वेब सीरीज़ चलने वाला है, सॉरी वेब सीरीज़ बोल रही हूँ, रियलिटी शो चलने वाला है। तो हर दिन आई थिंक एक एक एपिसोड रिलीज़ होगा। सो भगवान ही बचाए मुझे यार, शक्ति दे कैसे मैं देखूंगी। सो इतना सारा कंटेंट है जो कि इस हफ्ते रिलीज़ होने वाले हैं, आप किस कंटेंट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बात भी है गाइज, अगर आप लोग मेरे रिव्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं जो है रिव्यू नहीं तो मतलब व्लॉग में जो है व्लॉग वीडियोस में जो है मैं आपको शार्ट आउट दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियोस में ताकि आपको भी शार्ट आउट मिल सके। सो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।